गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना चाहता हूं। अब मैं फंक्शनल ग्रुप का टू टाइप में कन्वर्ट करता हूं। अब वो सम ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है उसका कोई सफिक्स नहीं है, वो ऑलवेज रिटन एज प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स में लिखना पड़ता है। ऐसे मैं फंक्शनल ग्रुप आपको बताऊं, इसका कभी सफिक्स प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑलवेज वो ब्रांच एक्ट हो जाए, ऑलवेज वो गेटिंग अ ब्रांच। वो ब्रांच हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच कहलाते। हम ब्रांच इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप आते हैं? फर्स्ट है हलाइड, मतलब हैलोजन फैमिली है। और टू है नाइट्रो है, ये तो आप हमारा हो गया, हैलोजन कंपाउंड हो गया, हैलोजन कंपाउंड हो गया है और नाइट्रो कंपाउंड हो गया है और ईथर कंपाउंड हो गया है। इसका ऑलवेज क्या बनता है? प्रीफिक्स है, सफिक्स इसका कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका सफिक्स क्या है ये मैंने बता दिया था। इसका सफिक्स है हेलो, और इसका सफिक्स क्या है? वर्ब है, नाइट्रो है। और इसका जो प्रीफिक्स, सॉरी, इसका प्रीफिक्स क्या है? नाइट्रो है। इसका प्रीफिक्स क्या है? अल्कोक्सी है। और इसका प्रीफिक्स क्या है? हेलो, मतलब वही आएंगे, वो कभी भी वो सफिक्स से फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मैं ये तीनों ऑलवेज क्या कहलाएंगे? वो तो ब्रांच कहलाएंगे। और बाद में है वो तो क्या है, सफिक्स फॉर्म में आने वाले कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हम फंक्शनल ग्रुप कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, उसका मैं टू कैटेगरी कर रहा हूं। सम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड द टर्मिनल पोजिशंस। ऐसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, वो फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस किधर आए? टर्मिनल पोजिशन में आए, या मिडल भी आ सकता है, और बीच में नहीं आए, मतलब किसी ना किसी कार्बन के जुड़ जाएगा, मतलब इन बिटवीन पैरेंट चेन में नहीं आए। इसका मतलब क्या है? इन बिटवीन पैरेंट चेन में नहीं आएगा, और है अल डी हाइड है। इसका फंक्शनल ग्रुप है RCOOH है, और ये है फंक्शनल ग्रुप है RHO है, और थर्ड है मेरे पास असाइल हलाइड है, वो भी क्या है? RCHROX रहेगा, वो भी हमेशा किधर आएगा? वो टर्मिनल पोजिशन पर आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड, मतलब इस साइड और इस साइड में कभी भी अल्काइल ग्रुप नहीं रहेगा। इसका मतलब वो टर्मिनल पोजिशन पर है। इसका भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया है, इसका जो अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया है वो तो किधर हो गया है? अभी एक ही वन साइड को है, इसका अल्काइल ग्रुप किधर? वन साइड है, मतलब बोथ साइड नहीं आएगा। और थ्री है तो अमाइन है, अमाइन का क्या रहेगा?
वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ही रहेगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, मिडिल पोजिशन में नहीं आएंगे, वो टर्मिनल पोजिशन में आ जाएंगे, ऐसा ऐसे फंक्शनल ग्रुप है। और इधर है सम फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप है वो तो किधर आएंगे, वो मिडिल पोजिशन में आएंगे, मिडिल पोजिशन में आ सकते है इसको हम। और इधर और एक है बच गया है, साइनाइड है, वो साइनाइड भी कहाँ है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, वो भी टर्मिनल पोजिशन में है। और इधर तो मुझे मिल रहा है वन है ऑलवेज, किधर आएगा वो तो कीटो है, मतलब आर है, सी डबल बॉन्ड है, आर है, इसमें क्या है, इसमें देख लो बच्चों ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, इसके बोथ साइड में क्या है अल्काइल ग्रुप है, वो तो मिडिल पोजीशन में आ सकता है। और दूसरा है, और ये है फर्स्ट, सेकंड है, सेकंड है मेरा तो ये क्या है, एस्टर है, एस्टर क्या रहता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है, इसका मतलब है वह मेरा को फंक्शनल ग्रुप है, बोथ साइड क्या है, बोथ साइड आ गया है मेरा तो क्या आ गया है, अल्काइल ग्रुप है, मतलब मिडिल में आए। अब मेरे पास है थ्री नंबर है, मेरे पास साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर भी है और ओपन भी एस्टर है, वह भी आएगा, साइक्लिक एस्टर भी आ जाएगा, मतलब क्या है, वो ऐसा है कार्बन इधर है और ये साइक्लिक एस्टर का कंपाउंड हो गया। और फोर्थ बात है मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है अमाइन है, आर एन एच टू है और इसमें क्या है, आर एन एच आर है और आर एन आर और क्या है, आर में भी सेम और डिफरेंस है, वो तो क्या है, वो तो अमाइन है। और फाइव क्या है, फाइव मेरे पास तो आ जाएंगे, कीटोन हो गए, एस्टर हो गए, साइक्लिक एस्टर हो गए, अमाइन हो गए, अमाइन हो गया और क्या है, और इमाइन, ऐसे हम बोलेंगे अनहाइड्राइड और बोलेंगे अनहाइड्राइड, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनहाइड्राइड अनहाइड्राइड अनहाइड क्या है, और अनहाइड्राइड वो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, वो तो फंक्शनल ग्रुप मेरा तो ये है, इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ए है, इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ए है, इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो ऐसा है, इधर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसा है, उसको बोथ साइड में अल्काइल ग्रुप है, वो सब मिडिल पोजीशन में आ सकते हैं, इसलिए हम फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या है, इसका तो सफिक्स पे है, इसका क्या पोजीशन है, तो सफिक्स में रहेगा और प्रीफिक्स में रहेगा, इसका सभी का क्या है, सफिक्स भी है, सफिक्स इसका सभी का प्रीफिक्स में लिख सकता हूं मैं, और क्या है, सफिक्स भी लिख सकता हूं, सफिक्स में लिख सकता हूं, बट सम ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, सम ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट मिडिल पोजीशन एंड सम ग्रुप ऑफ द ओनली only a prefix form is available, they cannot be write always in a suffix form, always write in the prefix form. बच्चों लोग इधर ध्यान दो, ये तीनों ग्रुप है उसका always हम suffix prefix लिखेंगे, मतलब branch ही उसको हम बोलेंगे, और सम फंक्शनल ग्रुप है इसका हमें प्रीफिक्स भी मालूम रहता है, सफिक्स भी मालूम रहता है, क्यों, हमें सो सिनेरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मालूम है,
मैंने तो आपको बताया है, फिर भी सम फंक्शन ग्रुप अगले टर्म में पोजिशन पर आते हैं और सम फंक्शन ग्रुप आएंगे इधर मिडिल पोजिशन पर आएंगे। ये तो फंक्शन ग्रुप के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। आज हम इधर रुकेंगे और नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके।